फैशन नीतिस वर्ल्ड गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही वियरेबल लुक। जैसे कि आपने मेरा मेकअप देख रहे हैं जो मैंने आज किया हुआ है गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो अपना मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको भी मेरी लुक पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझ पर ये मेकअप कैसा लग रहा है। आज जो आपको मेरा मेकअप देख रहे हैं तो आपको कुछ लग रहा होगा कि कुछ मेरे फीचर्स कुछ ज़्यादा ही लिफ्ट हुए हैं। ये मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है, मैंने कोई टेक्निक का यूज़ नहीं किया है, तो ये है सिर्फ मेरे मेकअप का कमाल गाइस। ये बहुत ही प्यारा मेकअप है और मैं इसको थोड़ा फॉक्सी आई मेकअप बोलूँगी क्योंकि इससे मेरे फीचर्स बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा शार्प लग रहे हैं। और गाइस जिनकी हुडी आईज है, जिनके फीचर्स थोड़े से डम्प है, उनके लिए मेकअप बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो देखते हैं कैसे क्रिएट किया मैंने अपना मेकअप। लेकिन उससे पहले अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ इस टाइप की। और अगर मेरा मेकअप पसंद आता है तो मुझे लाइक भी कीजिए और खासकर मुझ पर ये मेकअप कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताइए। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप है सेलो टेप स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए भी और वैसे भी इस आई मेकअप में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो आपका आईज बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाती है और मेकअप बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्लीज़ इस स्टेप को मिस मत करें। और नेक्स्ट स्टेप मेरा आईब्रोज के लिए मैं अपनी आई शेडो स्विस ब्यूटी की आई शेडो से ही मैं अपना कलर ले रही हूँ, कोई मैं पमेड या कोई पेंसिल यूज़ नहीं कर रही। और गाइस आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा अपने आई किट में से ही अपना आईब्रोज फिल करती हूँ बिकॉज ये जो कलर है वो मेरे आईब्रोज के लिए परफेक्ट कलर है। और जब मैं इससे अपने आईब्रोज ड्रॉ करती हूँ तो मुझे एकदम नेचुरल लगते हैं। तो गाइस आप भी वैसी पैलेट बाय कीजिए जिससे आपके मल्टी टास्किंग पैलेट्स हो, जिसपे आपकी ब्राउनिंग, कंटूरिंग, आईब्रोज सभी फिल हो सके। ऐसी पैलेट मैं रहती हूँ, जब भी आप कोई पैलेट बाय करो तो आपको इसी टाइप की पैलेट बाय करनी चाहिए। और गाइस नेक्स्ट स्टेप मेरा कंसीलर कर रही हूँ मैं अपनी आईज को, अपने आईब्रोज को। और आप देखना कि कंसील करने के बाद मेरे आईब्रोज पहले वाले आईब्रोज में और अब के शेप में कितना डिफरेंस हो जाता है और वो कितने क्लियर हो जाते हैं। तो गाइस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आप बिगनर्स के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि अगर आप जब ये आप करते हो तो आपकी जो आईज की जो पिगमेंट है वो बिल्कुल हाइड हो जाती है और जो भी आप कलर अप्लाई करते हो बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है और बहुत ही अच्छा आता है। तो गाइस इसको मैं अच्छी तरह अपने कंसीलर ब्रश की हेल्प से अपने आईज पे ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है मेरा कॉम्पैक्ट से मैं अपना कंसीलर अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। और कॉम्पैक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? कॉम्पैक्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जब अपने आई कलर्स यूज़ करें तो वो हमारा अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, वो बिल्कुल भी उस पर क्रीज ना आए। इस अब नेक्स्ट स्टेप मेरा, और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ अपनी स्विस ब्यूटी का 9 कलर आई शेडो पैलेट। और गाइस इसमें से मैं बिल्कुल लाइट कलर लेके पहले अपने क्रीज एरिया पे प्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और गाइस इसमें आपको सबसे पहले लाइट कलर से स्टार्ट होना है, लाइट से टू डार्क में जाना है। अगर आप डायरेक्ट डार्क में जाएंगे तो आपका आई मेकअप कभी भी अच्छा नहीं होगा। आई मेकअप फ्लॉलेस हो, आई मेकअप अच्छा हो, इसलिए आपको दो स्टेप यूज़ करने होंगे। एक तो आपको लाइट कलर से डार्क कलर की ओर जाना होगा और दूसरा आपको उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना होगा। और अब नेक्स्ट मेरे आई मेकअप का इम्पॉर्टेंट स्टेप, आप देख रहे हो कि मैं किस टाइप से अपने आई शेडोज से, ब्राउन आई शेडो की हेल्प से एक विंग आईलाइनर की तरह लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, आई शेडो ड्रॉ कर रही हूँ विंग लाइनर की तरह। और अब मैंने पहले इसको लाइट कलर लिया था और मैं अब डार्क कलर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप हमेशा लाइट टू डार्क कलर की ओर जाएं, आपका मेकअप ज़्यादा अच्छा होगा। और आप देख रहे हैं कि कितना क्लियर आई शेडो मैं अप्लाई हो रहा है मेरी आईज़ पे। पहले मैंने लाइट कलर ड्रॉ किया था, अब मैंने डार्क कलर ड्रॉ किया है। एक विंग आईलाइनर शेप आपको अपनी आईज़ पे देनी है। और गाइस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा लिक्विड आईलाइनर, मैं लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं इसके लिए एक बिल्कुल एक सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इतनी क्लीन लाइन ड्रॉ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम इसको ब्लेंड करने वाले हैं। मैंने इसमें कोई और लाइनर का यूज़ इसलिए नहीं किया, मैं पेन लाइनर का यूज़ भी आप कर सकते हो लेकिन उसको आपको जल्दी से ब्लेंड करना होगा नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। मैं इसमें लिक्विड आईलाइनर का यूज़ किया। और गाइस अब मैं जो पहले मैंने लाइन ड्रॉ की थी अपनी आई शेडो से, उसी विंग्स के ऊपर मैं अपने ब्लैक आईलाइनर को स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से। और आप देख रहे हो कि ये कैसे फिनिशिंग आ रही है। और गाइस जो भी आपको स्क्रीन पर स्टेप्स दिख रहे हैं आप उनको फॉलो करके अपना मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हो।
आपको सिर्फ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये मेकअप अगर आप करते हो तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब मैंने अपने कॉर्नर विंग्स को अच्छी तरह से लिक्विड आईलाइनर से ही ड्रॉ करूँगी। इससे आपकी आईज़ थोड़ी सी खुली और बड़ी लगनी शुरू हो जाएगी और आप चेन सनस्क्रीन में दे सकते हो अपनी आईज़ का। मेरी आईज़ बहुत छोटी है लेकिन इस टाइप का कुछ मैं ड्रॉ करती हूँ तो मेरी आईज़ कुछ बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। और अब मैं इसको नीचे लोअर लैश लाइन पर सेपरेट कर रही हूँ। और अब मैं अपने काजल का यूज़ कर रही हूँ, मैबलिन आई जेल लाइनर। और इसको मैं अपनी वाटर लाइन पर ड्रॉ करके अच्छी तरह से बाहर की तरफ सेपरेट कर दूंगी। और गाइस ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप हो चुका है वैसे कंप्लीट। और अब मैं इसको लास्ट टच देने के लिए मैं इसमें से लाइट ब्राउन कलर का जो मैंने अपने आईज़ के ऊपर यूज़ किया था वही कलर मैं इसको नीचे थोड़ा सा काजल में थोड़ा सा इसका कलर दे रही हूँ। गाइस ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आई मेकअप बहुत अच्छा होता है। और अब मैंने अपनी लैश लाइंस कर ली है कंप्लीट और अब मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आईज़ कितनी लिफ्टेड लग रही है। और मेरा नेक्स्ट स्टेप मेरा प्राइमर, और मैंने यूज़ किया है फेसेस कैनेडा का प्राइमर। और गाइस उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन। मैंने यूज़ किया है मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड है वार्म न्यूट। और अब मैंने अपने स्पंज को थोड़ा सा गीला कर लिया है और इतना भी गीला नहीं होना चाहिए कि उसमें से पानी टपके। एकदम आप उसको गीला करके एकदम निचोड़ कर उसको यूज़ करें और गाइस इससे आपकी फाउंडेशन बहुत ही फ्लॉलेस होगी। और मैंने अपनी फाउंडेशन को अपनी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से कर लिया है सेपरेट। और अपने एयर्स और नेक एरिया में लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस इसको अच्छी तरह से आप जितना अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी आपकी आपकी फाउंडेशन लगेगी और कितनी ही फ्लॉलेस होगी। और नेक्स्ट स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ अपना कंसीलर। मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का बेस कंसीलर। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छी तरह से सेपरेट हो जाता है और मेरी स्किन टोन के हिसाब से मेरे लिए ये परफेक्ट है। और गाइस मैंने इसको सिर्फ अपने ब्राइटनिंग एरिया में और जहाँ मेरे हल्के से डार्क स्पॉट है मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ। और इसको करने के बाद मैं अपने वही स्पंज से अच्छी तरह से इसको अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस ब्लेंडिंग जो है वो आपके मेकअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जितने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका बेस मेकअप फ्लॉलेस होगा, उतना ही आपका मेकअप प्यारा लगेगा, बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। इसलिए ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अब अपने फेस को अच्छी तरह से अपने कॉम्पैक्ट कर लिया है ब्लेंड। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी कंटूरिंग किट। कंटूरिंग किट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की और इसमें एक छोटा सा ब्रश आता है जिससे मैं अपने नोज कंटूरिंग कर रही हूँ। ओह गाइस मैं याद भूल गई, मुझे अभी अपने फेस को कॉम्पैक्ट करना था। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप यही फॉलो करूँगी, पहले मैं अपनी नोज कंटूरिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। और करने के बाद मैं अब यूज़ करूँगी अपना मेबलिन का फेस पाउडर जिससे मैं अपने फेस को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। और गाइस ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपका फेस बिल्कुल भी क्रीजेस नहीं आती और आपका मेकअप भी लॉन्ग टाइम तक आपके फेस पर रहता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना कंटूरिंग किट। इसमें मैं कंटूर को यूज़ नहीं कर रही, मैं ब्राउजिंग की तरह कंटूर को यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे फेस को एक अच्छी सी शेप मिल जाए। और आप देख सकते हैं ये ब्राउजिंग की तरह मैंने यूज़ किया और मेरे फेस को एक बहुत अच्छी शेप मिल गई है। और इसको मैं अपने नेक एरिया पे भी यूज़ कर रही हूँ। मैं अब ब्राउजिंग के बाद अब टर्न है मेरे फेस पे ब्लशर की और इसी पैलेट में से मैं अपने ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही एक लाइट पिंक सा कलर है ब्लशर का और देख रही है कि आप कितना प्यारा कलर आ रहा है फेस पे, एकदम नेचुरल सा ब्लशर है। ऐसे किट बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हो। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी लिप कलर का। और गाइस मैंने सभी अपनी जो भी मैं प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसको मैं सबकी जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर प्रीशियस पैटल। गाइस ये बहुत नेचुरल सा हाईलाइटर है और बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल से, इसमें कोई भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत शीन सी फिनिशिंग है इसमें। और ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। और गाइस कैसा लग रहा है मेरा मेकअप मुझे ज़रूर बताइए। गाइस मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, और किस तरह का लग रहा है आपको मेरा मेकअप? और गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही वेयरेबल लुक है। हर टाइप के लोग इसको वेयर कर सकते हैं, आप पार्टी पे या कैजुअली भी आप इसको वेयर कर सकते हो। और गाइस जिनके फीचर्स बहुत ज़्यादा डम्ब है उनके लिए ये
फॉक्सी आई मेकअप बहुत अच्छा होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक फॉक्सी आई सिंपल फॉक्सी आई मेकअप भी लाने वाली हूँ। और गाइस ये मेकअप भी बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और कैसा लगा मेरा मेकअप, और अगर आप कोई और मेकअप मेरे से जानना चाहते हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसके बारे में बता सकूँ। और बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ, किसी और प्रोडक्ट के साथ।